नमस्कार दोस्तों, हेरा फेरी 3, आवारा पागल दीवाना 2 और वेलकम 3 क्या तीनों सीक्वल में अब काम नहीं करेंगे अक्षय कुमार? दरअसल हाल ही में खिलाड़ी कुमार ने क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से हेरा फेरी 3 के तीसरे पार्ट में काम करने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद खबरें आने लगी कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार को रिप्लेस करने वाले हैं। अफवाहों को विराम देते हुए अक्षय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। अब सामने आ रहे रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिरोज नाडियावाला अक्षय कुमार के इस बयान से बेहद परेशान है, इसीलिए उन्होंने अभिनेता के बिना आवारा पागल दीवाना 2 और वेलकम 3 बनाने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिरोज नाडियावाला अक्षय कुमार से नाराज है। उनका मानना है कि अक्षय कुमार के स्क्रिप्ट को खराब बताने वाले बयान की वजह से फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ सकता है और इस बात से वाकिफ होने के बावजूद अक्षय ने सार्वजनिक रूप से ऐसी बात की। खबरें तो यह भी आ रही है कि अक्षय कुमार की हाई फीस की वजह से निर्माताओं को कार्तिक आर्यन को साइन करना पड़ा। दरअसल अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 के लिए तकरीबन 90 करोड़ रुपए की फीस मांग रहे थे, लेकिन मेकर्स फिल्म के बजट का इतना बड़ा अमाउंट स्टार की फीस में खर्च नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक्टर से फीस कम करने की रिक्वेस्ट की। हालांकि अक्षय नहीं माने, जिसके बाद मेकर्स ने कार्तिक आर्यन को साइन कर लिया। अभिनेता इस फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए में मान गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स अब इन फिल्मों के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार का रिप्लेसमेंट बनते जा रहे हैं। खैर, यह बात तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भूल भुलैया 2 की सफलता के साथ कार्तिक आर्यन ने साबित कर दिया कि उनमें भी दर्शकों को आकर्षित करने का गुण है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।